सभापति जी, मैं प्रारंभ में ही कहना चाहता हूं कि मैं परमाणु बम की राजनीति के विरुद्ध हूं। व्यक्तिगत मामले में मैं इस बारे में बहुत स्पष्ट हूं कि परमाणु बम की राजनीति विनाश की राजनीति है, यह मृत्यु की राजनीति है, यह मानवता के संहार की राजनीति है। लेकिन परमाणु बम हमें बनाना चाहिए या नहीं, यह अधिकार हमारा है। इसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। दुनिया के बड़े राष्ट्र इस पर रोक लगाकर स्वयं परमाणु बम बनाएं, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी नीति को भारत ने इतने वर्षों तक अपनाया और उसे चलाया भी। हमने कहा कि हम परमाणु शक्ति के बारे में भी सोचा करेंगे, उसको मानवता के विकास के लिए उपयोग में लाएंगे। लेकिन हमने हमेशा कहा कि हम संहार के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। देश की जरूरत होगी तो उस बारे में अपना विकल्प खुला रखेंगे। हम उस बात से अपने को अलग नहीं कर पाते हैं। आज उनके बड़े साहसपूर्ण और उत्साह भरे भाषण से मेरे मन पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वह भाषण बड़ा बचकाना भाषण था। बचकाना इस मायने में कि उन्होंने कहा कि हर प्रधानमंत्री की टेबल पर वह फाइल गई। दुनिया के लोग इसको सुनकर हंसेंगे। वे पढ़े लिखे आदमी हैं, उनसे तो मैं अपेक्षा करता था। कौन फाइल किस प्रधानमंत्री के यहाँ जाती है, इसकी चर्चा तो मैं नहीं करूँगा। मगर मैं भी थोड़े दिन प्रधानमंत्री था। मेरे पास प्रधानमंत्री की हैसियत से यह फाइल नहीं आई थी। मैं उस फाइल के बारे में नहीं कहता, लेकिन आपको याद होगा, श्री राजीव गांधी ने दुनिया के सामने कहा था कि दुनिया अणु शक्ति के हथियारों के बिना हो, और जिसे दुनिया ने स्वीकार नहीं किया था। उस दिन से भारत ने अपना विकल्प कभी बंद नहीं किया, उस दिशा में कदम उठते रहे और कदम चलते रहे। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज एक होड़ लग गई है कि हमने बम फोड़ा था, किसी और ने उसमें सहायता की। अब मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई दूं या धन्यवाद दूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि दूसरों ने भी कुछ उसमें हिस्सा बटाया। एक सदस्य ने शायद इन्होंने ही कहा, यह उनकी उदारता थी कि दूसरों के बारे में उन्होंने कुछ कह दिया। इस बात को मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ